एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ एक और एलोवेरा जेल के बारे में। थंबनेल देखा तो समझ ही गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ लीवर आयुष के एलोवेरा जेल के बारे में। सो इसका फुल नेम है लीवर आयुष एलोवेरा कूलिंग फेस जेल फॉर फ्रेश एंड मॉइस्चराइज्ड स्किन। कोई अलग से डिफरेंट क्लेम नहीं है, सिंपल सी आपके स्किन को फ्रेश बनाएगा और मॉइस्चराइज बनाएगा, जो कि ये पूरी तरीके से अच्छे तरीके से फुलफिल करता है। इसको लगाकर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज भी रहती है, फ्रेश भी फील करती है, ज़्यादा स्टिकी फील नहीं करता। जैसे पतंजलि का एलोवेरा जेल है, उसको लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्टिकी फील करती है। जब आप ऐसे टच करते हो तो स्किन बहुत ही ज़्यादा स्टिकी फील होती है, बट इसको लगाने के बाद आपकी स्किन स्टिकी फील नहीं होती है, फ्रेश और मॉइस्चराइज लगती है, जो कि मुझे इसको लगाकर बहुत अच्छा लगता है। स्किन ग्रीसी नहीं लगती है, क्योंकि मोस्टली एलोवेरा जेल लगाने के बाद स्किन आपकी ग्रीसी लगने लगती है, बट इसके साथ ऐसा नहीं होता है, जो कि मुझे इसका अच्छा लगता है। इसकी फ्रेगनेंस नॉर्मल जो एलोवेरा जेल्स में से स्मेल आती है वैसी स्मेल आती है। ये फ्रेगनेंस फ्री नहीं है, इसमें से एक आयुर्वेदिक काइंड ऑफ स्मेल आती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एलोवेरा जेल का एक्सट्रैक्ट है, उसके अलावा कुछ थोड़े बहुत और एक्सट्रैक्ट हैं जो यहाँ पर मेंशन हैं इसमें क्या क्या है। उसके अलावा अगर हम इसकी रेट की बात करें तो इसकी और पतंजलि की रेट बिल्कुल सिमिलर हैं। ये 90 रुपीज़ इसकी MRP है। साथ ही साथ इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स तक है, आप इसको 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हो। और 90 रुपीज़ में आपको 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि बेसिकली अगर हम पतंजलि VLCC या किसी भी प्रोडक्ट को देख लें तो इतने ही रेट में आपको 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। बट VLCC का आई थिंक थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव है, मुझे रेट उसकी याद नहीं आती। 85 रुपीज़ में वो 60 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। उसका सिस्टम थोड़ा अलग है, बट क्वालिटी उसकी अच्छी है, बट वो आईज़ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगी, तो जो कि आई बटन पर लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये एलोवेरा जेल ऐसा है, इसको आप आँखों पर लगाओ, चेहरे पर लगाओ, कहीं भी लगाओ, जलन नहीं करेगा। बेस्ट पार्ट इसका यही है कि ये जलन क्रिएट नहीं करता है, तो ये इसका बेस्ट पार्ट मुझे लगता है। बिकॉज मेरी आदत है एलोवेरा जेल पूरे फेस पे अच्छे से मसाज करने की, आइस के ऊपर भी और पूरे फेस के ऊपर भी। बट कुछ कुछ एलोवेरा जेल ऐसे होते हैं जो आँखों में बर्निंग क्रिएट करते हैं, जलन क्रिएट करते हैं, आंसू आने लगते हैं, बट इसके साथ ऐसा नहीं होता। ना ये जलन क्रिएट करता है, ना बर्निंग क्रिएट करता है, ईजिली आपके पूरे फेस के ऊपर लग जाता है, उसको मॉइस्चराइज भी करता है, हाइड्रेट भी करता है। फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं कर सकती। आप अपने ऊपर, बच्चों के ऊपर, मेंस वुमेंस दोनों ही इसको ट्राई कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत ही अच्छा एलोवेरा जेल ये मुझे पर्सनली लगा। और इसकी अगर आप रेटिंग की बात करेंगे तो मैं इसको 5 में से 4.5 रेटिंग देती हूँ। बिकॉज जिस तरीके से एक एलोवेरा जेल को आपकी स्किन के ऊपर वर्क करना चाहिए, ये उस तरीके से वर्क नहीं करता है, बट ये सिर्फ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, अदर देन पिंपल्स, एक्नेस, छोटे मोटे दाने हो जाते हैं, उनको ये क्योर नहीं करता। जहाँ की VLCC का है वो सब कुछ क्योर कर देता है, बट ये उस तरीके से क्योर नहीं करता है, बट वो आईज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दोनों चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती है, पर ये कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, ग्रीसी नहीं लगेगा, बट ये आपके स्किन के एक्ने पिंपल्स के ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए मैं इसको 5 में से 4.5 रेटिंग देती हूँ। अदर देन प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो VLCC का एलोवेरा जेल ट्राई करें, बट अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नाइट टाइम में यूज़ करने के लिए एक हाइड्रेटिंग एलोवेरा जेल आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी प्लस इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ रील शेयर करती रहती हूँ, तो वहाँ पर मुझे फॉलो करना और मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।